चलिए आर नाउ के द नेम टू वर्किंग में ठीक जीरोस। हाँ जी आगे चलिए। 18 3 54, 18 2 36, 2 5 10, एंड द आंसर इज 15 मीटर। 15 मीटर पर सेकेंड। यस, दिस इज द वे ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन। ठीक है, कर सकते हो। चलिए नाउ मूव टू ग्राफ्स M3 सेक्शन, क्वेश्चन नंबर 1 2 3। एटलीस्ट स्टार्ट डूइंग दीज क्वेश्चंस। ठीक है, आपको 5 मिनट दे रही हूँ। फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 क्वेश्चंस एक बार करी कीजिए, जरा ट्राई एक बार। यस बच्चे, चलिए यस बच्चे डन। यस बेटा, क्लास 7C अर्शप्रीत। आइए बेटा जरा आगे। क्लास 7C अर्शप्रीत, देन फ्रॉम क्लास 7A जैस्मीन, गेट रेडी। सेवन सी, एम आई ऑडिबल बेटा? आइए बेटा आगे। हाँ जी बेटा, मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग बेटा। मैम क्वेश्चन, ही इज चलिए एब्सेंट। एब्सेंट है, आप बता दीजिए बेटा आपका नाम क्या है। भव्या भव्या, ओके भव्या कौशल, राइट। सो व्हाट इज द जी। आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। द फिगर शोज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ द मोशन ऑफ अ कार। इट फॉलोज फ्रॉम द ग्राफ दैट द कार इज एट। यस,
मैम ऑप्शन बी। ग्राफ इज लाइक दिस, राइट? द ग्राफ इज लाइक दिस, हेयर इज द टाइम, हेयर इज द एक्स, एक्स इज रिप्रेजेंटिंग डिस्टेंस। द राइट ऑप्शन इज बी। ठीक है बच्चे, अगर ये ग्राफ ऐसे होता, लेट अस से ये ग्राफ ऐसे होता, देन क्या कौन सा ग्राफ था फिर ये? नाउ इट इज अ स्ट्रेट लाइन, कौन बताएगा? यस, नेक्स्ट मैंने किसको बोला था? आई थिंक 7th A से। हाँ जी बेटा, आइए। मैम ए है। नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ, अगर ग्राफ ऐसा होता, उसका आंसर तो राइट बेटा बी है, उसका तो राइट बी है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, मैं अभी आपको डिस्कस इट इज सी करूँ। मैम मैम इट इज सी सी ऑप्शन ऑप्शन मैम क्या है? सी सी ऑप्शन सॉरी, सी ऑप्शन, सी है, इट्स सी ऑप्शन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज रिटन एट सी ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद 7th G के का स्टूडेंट परमवीर सिंह, गेट रेडी एंड आप मुझे आंसर दीजिए बेटा। इसका अभी जाना नहीं है मुझे, इसका आंसर दीजिए, ये कौन सा ग्राफ है? मैम विच ग्राफ है? यूनिफॉर्म इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन, दिस इज द ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। यस, नेक्स्ट स्टूडेंट कम फास्ट। यूनिफॉर्म मोशन, दिस इज नॉन यूनिफॉर्म। आ जाइए आप माइक के पास, मैं फिर क्वेश्चन पूछूंगी आपसे। कम इन फ्रंट ऑफ द माइक। चलिए आ गए हो आप। अच्छा, मुझे अब ये बताइए कि विच ग्राफ इज दिस। अगर ऐसे ग्राफ होगा तो इस ग्राफ को हम क्या बोलेंगे? दिस इज अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ हैविंग अ स्ट्रेट लाइन। क्वेश्चन उसमें नहीं है बेटा, वर्कशीट में, मैं अपने आप से दे रही हूं। जस्ट लुक एट द बोर्ड एंड गिव मी द आंसर, इट इज नॉट इन द वर्कशीट। अगर किसी ग्राफ में ऐसे स्ट्रेट लाइन हो, देखो तीनों ही डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, ये भी डिस्टेंस है, एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? एक्स इज रिप्रेजेंटिंग डिस्टेंस। ठीक है बच्चे, एक्स क्या शो कर रहा है? डिस्टेंस। तो ये भी एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ है जिसमें कि ऐसे एक स्ट्रेट लाइन बनी हुई है, तो ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑब्जेक्टिव द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, वेरी गुड। ठीक है, ऑब्जेक्ट चल ही नहीं रहा है, जैसे कि कार को पार्किंग में खड़ा कर दिया रात को लाकर, सुबह तक, मॉर्निंग तक टाइम तो इंक्रीज हुआ ना, देखो 0, 1, 2, 3, 1 आवर निकल गए, 2, 3, 4 आवर्स चले गए, 5 आवर्स चले गए, बट कार की पोजीशन नहीं चेंज हुई। कार तो वहीं पर रही, वहीं पर खड़ी है ना जहां रात को लाकर खड़ी की थी। कार का डिस्टेंस चेंज नहीं हुआ, सिर्फ नाइट से मॉर्निंग हो गई है, टाइम चेंज हो गया। ठीक है, तो ऐसे केस में जो ग्राफ बनता है वो स्ट्रेट इस तरीके से बनते हैं, राइट? जैसे अभी आप अपने क्लासरूम में बैठे हो, यू आर एट सर रेस्ट। ठीक है, टाइम चेंज हो रहा है, 9 o'clock स्कूल स्टार्ट हुआ, आप 3 o'clock तक यहीं बैठे रहोगे, मतलब ऐसे तो आप उठोगे करोगे, बट मेन जो आपकी बात करो, डिस्टेंस तो वही का वही है ना जहां आकर बैठे थे, एंड टाइम इज चेंजिंग। तो अगर आपके लिए ग्राफ पूछा जाए तो आपका ग्राफ भी यही वाला बनेगा, यू आर नॉट कॉन्टिन्यूसली मूविंग। ठीक है, अ स्टूडेंट सिटिंग इन द क्लासरूम फ्रॉम द लास्ट 4 आवर्स, तो ग्राफ बनाओगे तो कैसे बनाओगे? यही वाला ग्राफ बनेगा। ठीक है, 4 आवर से एक ही जगह पर, एक ही क्लासरूम में आप बैठे हुए हो। ठीक है, डिस्टेंस चेंज नहीं हुआ, टाइम चेंज हुआ। ये नॉन यूनिफॉर्म, जब ऑब्जेक्ट सेम स्पीड से नहीं चल रहा होता, इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं करता, एंड यूनिफॉर्म जब एक ही स्पीड से चल रहा होता है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। ठीक है, एक ही स्पीड से, ना वो स्पीड कम कर रहा है अपनी, ना ही स्पीड ज्यादा हो रही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2। यस, 7th F महक, 7th F महक एंड इसके बाद 7th E के स्टूडेंट मन्नत, गेट रेडी।
आ जाइए महक। कहाँ पर है महक? क्लास ही नहीं है। चलो आप आ जाओ बेटा, 7th ही मन्नत। हाँ जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर चाहिए मुझे। क्वेश्चन मम्मी यस नंबर 2, द फिगर ऑप्शन ए ऑप्शन, द फिगर शोज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ टू कार्स ए एंड बी। टू कार्स हैं विच आर मूविंग, ठीक है, वन इज बुढ़ियों दिस, वन इज दिस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 की कौन सी ऑप्शन आएगी? सी ऑप्शन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 की सी, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। जब कर्व ग्राफ हो, अगर स्ट्रेट ग्राफ होगा तो आपका क्या रहेगा? यूनिफॉर्म मोशन। अगर स्ट्रेट ग्राफ नहीं है तो नॉन यूनिफॉर्म। एक्सिस डिस्टेंस, यहां पर आपके पास बेटा दो ऑब्जेक्ट्स हैं ए एंड बी। द क्वेश्चन इज विच ऑब्जेक्ट इज मूविंग फास्टर, ए और बी? दो कार हैं, कार ए एंड कार बी, कौन सी कार ज्यादा फास्ट ट्रेवल कर रही है? यस द आंसर इज राइट, द आंसर इज ए। कैन यू गिव मी द रीजन ऑल्सो मन्नत? Can एक मिनट बेटा, पूछ लेती। हाँ जी मन्नत, ए तो ठीक है, बट क्या रीजन के साथ? चलो बताइए मुझे जरा जल्दी से मन्नत। नो, एक मर जाए, एक बार बार एंटर री एंटर हो रहा सेक्शन है ये। 7th डी, हाँ जी बेटा बताइए जरा। मैम, बिकॉज मैम जो व्हीकल ए, मैम जो कार ए है, उस मैम उसका जो ग्राफ है मैम, वो डिस्टेंस की तरफ ज्यादा है और टाइम की तरफ कम है। इसके हमें पता चल रहा है कि उसने कम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस कवर किया है, तो वो फास्ट है। वेरी गुड, दिस इज वन ऑफ द रीजन जो आपने बताया। हम बेसिकली देखते क्या है, एक्चुअल में रीजन क्या होता है बेटा, हम इनका टाइम सेम कर लेते हैं। हम टाइम कैसे सेम करते हैं? हमने क्या करना है, हमने देखो, सपोज मैंने एक लाइन ड्रॉ, ये पिंक वाली लाइन दिख रही है आपको, मैम एट दिस पॉइंट जो ग्राफ बी है और या जो कार ए है, सपोज ये 0 था टाइम, ये 1 था और ये 2 था। देखो दोनों कार, जहां जो पिंक लाइन है, दोनों का टाइम कितना है इस टाइम? लेट अस से 2 आवर्स, ठीक है। दोनों का टाइम एग्जैक्टली सेम है, हमने एक लाइन बना दी पिंक वाली, ये हम कर सकते हैं। तो दोनों का टाइम सेम है। जो आप बता रहे हो बेटा वो लॉजिकली बिल्कुल ठीक है कि आप याद कर सकते हो कि जो लाइन डिस्टेंस की तरफ ज्यादा होगी वो फास्ट है, जो लाइन डिस्टेंस की तरफ ज्यादा होगी वो फास्ट ट्रेवल कर रही है, ठीक है। अब यहां पर देखो, यहां पे डिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, लेट अस से 2 किलोमीटर, और यहां पर डिस्टेंस की वैल्यू है 6 किलोमीटर। किसकी वैल्यू ज्यादा है, ये 2 की या 6 की? एक और 6 किसकी वैल्यू है, ग्राफ ए की या बी की? ए की, एक दैट इज व्हाई ए इज ट्रैवलिंग फास्ट, ठीक है। समझ आई ये चीज? आपने एक टाइम के एक्सिस पे देखो, कुछ भी बना लो, जैसे मैंने यहां पर लेटर से आपको 3 ग्राफ दे दिए, ठीक है। मैंने आपको दे दिया कार एक्स, कार वाई, कार जेड। अब मैंने पूछा, ये एक्स है डिस्टेंस और ये टी है टाइम, ठीक है। अब मैंने आपसे पूछा कि कौन सी कार सबसे स्लो ट्रेवल कर रही है। देखो अगेन मैंने क्या किया, एक लाइन बनाई जो तीनों से जा रही है। अब ये एक पॉइंट मिला, एक ये पॉइंट मिला, एक ये पॉइंट मिला, यहां पे 3 हम इसके सामने लाइन लगा देंगे।
सबसे कम वैल्यू कहां पर होगी? यहां पर लेट अस से ये 1 है, ये 4, ये 8 है। सबसे लोअर वैल्यू किसके पास है? एक्स के पास, वाई के पास, या जेड के पास? एक्स तो एक्स क्या है? सबसे स्लो चल रहा है। और सबसे फास्ट कौन चल रहा है? जेड ये फास्ट चल रहा है। ये समझ आया? लॉजिकली ये है, बट अगर एमसीक्यूज में आपको ये क्वेश्चन आता है तो आप सिंपली देख सकते हो कि जो ग्राफ डिस्टेंस की तरफ ज्यादा होगा वही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है बच्चे, जो ग्राफ डिस्टेंस की साइड ज्यादा होगा, प्लीज कंप्लीट दिस पार्ट बेटा, इसके ऊपर एक्स्ट्रा डाल लो, एक्स्ट्रा पार्ट बनाकर नोट कर लो, और ये क्वेश्चन 2 के साथ ये ड्रॉ करो उस ग्राफ के अंदर। या तो नोटबुक में थोड़ा ग्राफ बड़ा बनाकर ड्रॉ कर लो, या फिर आप अपनी वर्कशीट में कर सकते हो। ये दो अलग क्वेश्चन है। चलिए बेटा कर लीजिए। जैसिका सुनाक्षी और कौन कौन है? यस बच्चे डन। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताइए बेटा मुझे जल्दी से। वेरी सिंपल क्वेश्चन, मैम बी 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 राइट आंसर। ठीक है, है यस। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4। अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 8, चलो ट्राई करो जरा ये भी खुद से एक बार। क्वेश्चन नंबर 4, ट्राई इट योर सेल्फ। मैम कैन आई कैन ओके, आई मैम बी मैम जो 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 ग्राफ जिसके ऊपर जो मैम अब जा रहा है जिसमें टाइम लिखा है मैम वो वाला रॉन्ग है मैम। सेकंड सेकंड ग्राफ सेकेंड ग्राफ। अच्छा देख लेते हैं, बाकियों को भी करने दो, रीड कर लो बेटा बाकी सब जल्दी से करो। मैम सेकंड वन इज रॉन्ग। सेकेंड वन इज रॉन्ग। क्यों रॉन्ग है बेटा? देखो दो केसेस दे रखे हैं आपको, ऐसे ग्राफ बना रखा है, एक तो ऐसे यहां पर डिस्टेंस है और यहां पर टाइम है, ठीक है, और दूसरे में क्या किया हुआ है, यहाँ डिस्टेंस दिया हुआ है और यहाँ पर टाइम दिया हुआ है और ग्राफ आपका सेम है, ठीक है। कौन मुझे रीजन बताएगा कि सेकेंड ग्राफ इज रॉन्ग, व्हाई? मैम बिकॉज मैम जो टाइम होता है उसे मैम जो डिस्टेंस होता है हम उसे मैम अपवर्ड भी तरह शो करते हैं, और जो टाइम होता है उसे स्ट्रेट मैम जो बॉटम पे लाइन होती है एक्स एक्सिस उसे शो करते हैं टाइम। नहीं, दिस इज नॉट द राइट रीजन, ये गलत है। टाइम को हम 99.9% एक्स एक्सिस पर लेते हैं, बट ऐसा नहीं है कि हम उसको वाई एक्सिस पर नहीं ले सकते, वी कैन टेक, ठीक है। दिस इज नॉट द रीजन। आप एक चीज देखिए,
आप मुझे बताइए, आप पहले लेटर से मार्केट जा रहे थे या स्कूल जा रहे थे, सडनली आप भूल गए कि लंच बॉक्स तो घर पे ही रह गया, वाटर बॉटल तो घर पे ही रह गई, ठीक है, स्कूल बैग ही घर पे रह गया, हम तो बिना बैग के स्कूल जा रहे थे, ठीक है, हमने मान ली ये चीज। अब क्या हुआ, आप कुछ डिस्टेंस कवर कर चुके थे, आप अपने घर से बाहर निकल चुके थे, कुछ डिस्टेंस कवर कर चुके थे, सडनली आपको याद आया, आप वापिस आ गए, ठीक है, ये बात समझ आई आपको। इस केस में जब आप वापस आ रहे हो तो आपके घर की तरफ आने का डिस्टेंस कम हो रहा है या उतना ही है? आप जब जा रहे थे लेटर से, ये आपका होम था, ठीक है, ये आपका स्कूल था, और आप जब घर से जा रहे थे तो यहां जाकर आपको याद आया आपका जो लंच बॉक्स था वो तो घर पे ही रह गया, आप यहां से वापस जाने लग गए। इस चीज को समझ लेना बेटा, ठीक है, आप वापस जा रहे हो तो आपके घर में और आपके बीच में ये डिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है या सेम रह गया? डिक्रीज हो रहा है। इज डिक्रीजिंग, ठीक है, जितना जितना आप घर की तरफ आते जाओगे ये डिस्टेंस उतना ही कम हो जाएगा, बट क्या टाइम भी डिक्रीज हो रहा है? बताओ, टाइम तो एड ऑन होता जाना है, लेट हो गए लेट हो गए लेट हो गए, टाइम तो जाता जा रहा है आगे आगे, टाइम तो नहीं पीछे गया ना वापस, टाइम कैन बी रिवर्स्ड, नहीं कर सकते ना। अब इस केस में देखो, अगर मैं ये ग्राफ लूं, यहां पर ये टाइम एक्सिस है, दिस इज अ टाइम एक्सिस, जब आप अपने होम से स्कूल की तरफ जा रहे थे तो क्या हुआ, टाइम इंक्रीज हो रहा था, टाइम टाइम बढ़ता गया। बढ़ता ही है, टाइम तो कभी कम होता ही नहीं है, बट अगर आप अपने होम की तरफ वापस आ रहे हो तो ये टाइम की वैल्यू, ये 1 थी, ये 2 थी, ये 3, ये 4, पहले तो इंक्रीज हो रहा था, ठीक है, अब क्या डिक्रीज हो सकता है टाइम? तो नो इसलिए ये ग्राफ गलत है। यहां पे देखो, आपका पहले डिस्टेंस, आप स्कूल की तरफ जा रहे थे, ये डिस्टेंस था, इस केस में क्या था, टाइम इंक्रीज हो रहा था, 1 2 3 4 टाइम इंक्रीज। आप जब होम की तरफ वापस आ रहे हो, जो चीज भूल गए उसे लेने वापस आ रहे हो, तब भी टाइम इंक्रीज होता जा रहा है। बात समझ आई बेटा? ठीक अच्छा है, तो ये देख के आंसर नहीं देना कि टाइम एक्सिस वाई साइड पर दिया हुआ है इसलिए ग्राफ रॉन्ग है, नहीं, ग्राफ इसलिए सेकंड वाला रॉन्ग है क्योंकि इस केस में क्या दिखा रहे हैं, टाइम डिक्रीज हो रहा है, एंड टाइम कैन नेवर बी डिक्रीज्ड, नेवर बी डिक्रीज्ड, लिख लो बेटा, और रिवर्स्ड, ठीक है, टाइम इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, टाइम ऑलवेज इंक्रीजेस, ये लिख लो सेकेंड ग्राफ के साथ, रीजन लिख लो कि क्यों ये गलत है। हाँ जी बेटा, सबने लिखना है, सब मुझे लिखते दिखे, वेरी गुड, काफी बच्चे सर वेरी गुड कर ही रहे हैं, ये समझ आई, बात समझ आई आपको सबको? यस टाइम को वाई एक्सिस पर लिया जा सकता है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि नहीं ले सकते, वी कैन टेक, ठीक है, चलिए, नाउ इट्स अ टर्न ऑफ डूइंग क्वेश्चन नंबर 5, अगर ये हो गया है तो। यस बच्चे, डन, ओके, मैं रब कर रही हूँ उसको क्योंकि मेरा क्वेश्चन का नेक्स्ट का ग्राफ यही बना, ओके बेटा, ओके कर लो, बाकी सब क्वेश्चन नंबर 5th करना स्टार्ट कीजिए बेटा, स्टार्ट डूइंग क्वेश्चन नंबर 5।
डी हो गया बेटा, 5/5 क्वेश्चन। सिक्स मैम यस कर लो बेटा, स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर सिक्स। बाकी सब स्टार्ट ट्राई कीजिए। क्वेश्चन नंबर वो क्या कहते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन। डन ओके बेटा, सबको करने दो। मैम, फोर्थ हो गया, रेस कर दो। ओके बेटा, कर देती हूँ। चलिए बेटा, और फिफ्थ हो गया बेटा, फिफ्थ करो जरा जल्दी से क्वेश्चन। इजी सा क्वेश्चन है बहुत ज्यादा। देखो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। ऑन अ रोड एन ऑब्जेक्ट एक्स ट्रेवल 6 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है। नॉर्थ कहाँ होता है, ऊपर की तरफ है ना। नॉर्थ जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं बनाए तो नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। अब ये कहाँ गया 6 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ एंड देन टर्न्स टूवर्ड्स राइट एंड कवर्स द डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर। देन वो राइट टर्न कर गया, उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 4 मीटर। 4 मीटर अगेन उसने राइट टर्न किया और 3 मीटर का डिस्टेंस कवर किया एंड देन स्टॉप्स एट पॉइंट, स्टॉप्स एट पॉइंट सी, ठीक है, एंड स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ओ। तो इनिशियल पॉइंट कहाँ पर है बेटा इसका, फाइनल मैम, ओ पॉइंट क्या है। सी राइट, सो अच्छा क्वेश्चन भी यही है। व्हाट इज द इनिशियल पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्ट एक्स, ओ व्हाट इज द फाइनल पॉइंट। सी ये डायग्राम जो आपकी आया हुआ है ना बेटा, बुक में बना हुआ है, वर्कशीट में, उसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिए बेटा। सी लिखा नहीं हुआ है वहां पे, सी मेंशन कर लीजिए, बी सी। लिया। व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड फॉर द होल जर्नी, 30 मीटर हाँ जी। जिसको नहीं पता देखो उनके लिए मैं लिख रही हूँ, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू, डिस्टेंस कितना है, ओ ए प्लस ए बी प्लस बी सी, 6 प्लस 4 प्लस 3 विच इज इक्वल्स टू 13 मीटर। मैम, नेक्स्ट क्या पूछा गया आपसे, व्हाट विल बी टोटल 1,300 सेंटीमीटर। डिस्टेंस, ये मीटर में है, कन्वर्ट करना है इनटू सेंटीमीटर। 1 मीटर इज हाउ मेनी सेंटीमीटर्स, हंड्रेड सेंटीमीटर। कैसे याद रखोगे, ये तो छोटी छोटी चीजें हैं, वैसे याद रख सकते हो आप। अदरवाइज क्या तरीका सिखाया था मैंने लर्न करने का, किंग किंग हैरी डाइड मदर रेड हैरी डायमंड, मदर डायमंड, डोंट डोंट क्राई मोर। डोंट क्राइड मोर, डोंट क्राइड मच, डेंट क्राइड मच, सब ठीक है। ठीक है, आपको याद होनी चाहिए बस चीजें। चल उसके बाद ये हो गया, और 13 मीटर कितना हो जाएगा बेटा, 13 into 100 which is equals to
13,000 वेरी किलोमीटर। नाउ फिफ्थ पार्ट व्हाट वी फाइंड ओ टू सी एंड ओ टू ए O2C 5 मीटर, O2A 6 मीटर, O2C is equal to 5 मीटर, and O2A O2C इक्वल equal to टू 6 मीटर। ओके डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ओ टू सी, ओ टू सी, ओ से सी तक कितना डिस्प्लेसमेंट है बेटा? मीटर। एंड ओ टू ए, 6 मीटर। ये ओ और ये ए, बेसिकली ये पूछ रहे हैं। तो ये लेंथ कितनी है? 6 मीटर। इज द मोशन यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म? नॉन नॉन यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म। मोशन यस, नॉन यूनिफॉर्म क्यों है बेटा? मैम, बिकॉज बिकॉज इट पहले वाला कवर्स ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और कवर उसने सिक्स। इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल टाइम। ठीक है, वैसे हम यहाँ पे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, हमें टाइम तो दिया ही नहीं हुआ है कब कितना डिस्टेंस किया। सो द राइट आंसर विल बी कांट बी प्रिडिक्टेड बिकॉज टाइम इज नॉट गिवन। हमें क्या पता कि इक्वल डिस्टेंस कवर, हमें ये पता है पहले 6 मीटर चला, फिर 4 मीटर, फिर 3 मीटर, कितने टाइम में कितना कवर किया, तभी तो हम बताएंगे यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है। अनटिल एंड अनलेस आपको बताया ना गया हो कि कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर हुआ, हाउ यू कैन टेल? मैंने आपको बोला पहले आपने 6 स्टेप्स चले, फिर आपने 4 स्टेप्स चले, फिर आपने 3 स्टेप्स मूव किए, तो क्या आपका मोशन यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है? मैंने तो बताया ही नहीं कि पहले 6 स्टेप्स आपने फास्ट लिए या स्लो लिए, मैंने तो बताया ही नहीं टाइम के बारे में, तो हाउ यू कैन प्रिडिक्ट? नहीं पता चल सकता ना। गेटिंग माई पॉइंट? तो जब तक आपको टाइम नहीं दिया जाएगा बेटा, यू कांट टेल। या फिर आपको बोला गया, क्वेश्चन में तो नहीं कहीं लिखा हुआ, नहीं, या फिर क्वेश्चन में लिखा गया एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग यूनिफॉर्मली या नॉन यूनिफॉर्मली फ्रॉम 0 to A, देन A to B, देन B to C, फिर हम बता सकते थे। ना तो क्वेश्चन में हमें यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म दिया गया, ना ही हमें टाइम बताया गया, तो हाउ शुड वी कैन प्रिडिक्ट? सो द राइट आंसर, ये भी कट करो, इसको लिखो, कांट बी प्रिडिक्टेड। कांट बी प्रिडिक्ट का मतलब क्या होता है? जज करना। ठीक है, सो कांट बी प्रिडिक्टेड एज टाइम इज नॉट गिवन। ठीक है, डिस्टेंस कम किया ज्यादा किया उससे मैटर नहीं कर रहा है, समझ आ गई ये बात? और शुड आई एक्सप्लेन इट अगेन? यस, कोई पूछना चाहता है बेटा हैंड्स रेज किया करो, क्योंकि मुझे पता सारे बच्चों को तो समझ आया नहीं होगा, आई एम वेरी श्योर, क्योंकि आपका नॉन यूनिफॉर्म माइंड में घूम रहा था, बट ये नॉन यूनिफॉर्म है यूनिफॉर्म है ये नहीं बता सकते। अब मैं पूछ रही हूँ, कोई मुझे एक्सप्लेन करेगा आकर, अदरवाइज अपना हैंड रेज कर दो जिसको अभी भी समझ नहीं आया। सबको समझ आ गया? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। चलिए देन मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है बेटा, सीधी सी बात है इसके अंदर, अनटिल एंड अनलेस मुझे ये नहीं बताया गया होगा कि कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर हुआ, तब तक मैं ये नहीं बता सकती कि वो मोशन यूनिफॉर्म था या नॉन यूनिफॉर्म था। ठीक है, यूनिफॉर्म दोनों होना चलिए ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 6, द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन। देखो जैसे इस क्वेश्चन में बोला हुआ है ना कि यूनिफॉर्म मोशन, अगर या तो ऐसा कुछ लिख रखा हो फिर हमें पता लग जाता है ये यूनिफॉर्म था या नॉन यूनिफॉर्म था। इज अ स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड टू टाइम एक्सिस, द करेक्ट स्टेटमेंट इज, यस द करेक्ट स्टेटमेंट इज, ये ग्राफ कैसे बनेगा बेसिकली? ठीक है, ये ग्राफ आपका बन रहा है इस तरीके से, इंक्लाइंड टू टाइम एक्सिस, सॉरी ऐसे नहीं आएगा, इंक्लाइंड टू टाइम एक्सिस कुछ इस तरीके से। ठीक है, चलिए इसका क्या मतलब है? द करेक्ट स्टेटमेंट इज द वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ,
वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म, द डिस्टेंस इज चेंजिंग अनइक्वल। अच्छा, अगर आपको नहीं सही ऑप्शन मिलती तो एटलीस्ट आप पहले गलत ऑप्शन को क्रॉस कर दीजिए। कई बार होता है हमें राइट आंसर नहीं पता होता, बट हमें ये श्योर होता है कि ये वाला आंसर तो नहीं हो सकता, तो ऐसी ऑप्शंस को आप एमसीक्यू में पहले क्रॉस कर दो अगर आपको कौन डाउट सा क्रॉस करना है? है। द सेकेंड ऑप्शन देखिए, द डिस्टेंस इज चेंजिंग अनइक्वली एट ईच इंटरवल ऑफ टाइम, इसे क्रॉस करना है? ये तो क्रॉस हो जाएगा क्योंकि अगर अनइक्वली चेंज होता तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं आती हमारे पास, फिर ये कर्व्ड लाइन बनती। ठीक है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इज जीरो, क्रॉस ये भी क्रॉस। डिस्प्लेसमेंट कब जीरो होती? अगर ये ऑब्जेक्ट वापस आ जाता, अगर इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता, फिर ये क्या बनती हमारी? डिस्प्लेसमेंट जीरो। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी विल रिमेन सेम एट ईच इंटरवल ऑफ टाइम। ट्रू अगर डिस्टेंस सेम है तो ग्राफ ऐसे नहीं आता, अभी समझाया? अगर डिस्टेंस सेम है, वो कह रहे डिस्टेंस सेम रह रहा है, लेट अस से 4 किलोमीटर है, तो हर बार वो 4 किलोमीटर ही रह रहा है, ऐसा है, बट वो तो कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म मोशन में है। आपके लास्ट पॉइंट का मतलब है, डी ऑप्शन का मतलब है ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। शॉर्ट में उस पॉइंट का मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, इज इट ट्रू? क्योंकि नो ग्राफ तो मोशन में है, हमें बोला गया यूनिफॉर्म मोशन में है ग्राफ, सो द राइट आंसर इज द वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म। ए इज द राइट आंसर, वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म। ठीक है बच्चे, इज दिस क्लियर? सो वी आर जस्ट कंप्लीटेड विद आर ग्राफ टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 1 इन द बिगनिंग ऑफ योर वर्कशीट। बेटा ये दोनों ग्राफ नेक्स्ट क्लास जब भी होगी हमारी, आपके ग्राफ मैंने देखने हैं, योर टीचर्स विल चेक इट आउट कि दोनों ग्राफ बनाए हुए हैं या नहीं बनाए हुए। सिंपल ग्राफ है, आपने सिर्फ ये चेक करना है द ग्राफ इज ऑफ यूनिफॉर्म मोशन और ऑफ नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच टीचर्स एंड थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, बाय बाय एवरीवन। बाय मैम, थैंक ओके बेटा, बाय। ओके भी हम